बिहार में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वो राजद करवा रहा है, एक संगठित अपराधियों के द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जी नमस्कार, है न्यूज बिहार और भारत लाइव के इस यूट्यूब चैनल पर। बिहार की राजनीति में राजद और जदयू जिस तरह से आपस में तूतू मैमे कर रहे हैं और स्तर से स्तरहीन बातों तक उतर जा रहे हैं, वो बिहार की राजनीति के लिए एक अलग तरह का सगल बना रही है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने राजद पर आरोप लगाते हुए, हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि ये लंपट गिरी लोगों का जमावड़ा है। पप्पू यादव पर भी निशाना साधते हुए नीरज कुमार ने कहा है कि यदि पप्पू यादव से कोई लाव लपेट नहीं है, पप्पू यादव को राजद ने अपने दल से तो निकाल दिया है, निलंबित कर दिया है, लेकिन अगर पप्पू यादव की संस्कृति का पोषण नहीं करती तो उनके सदस्यता समाप्त करने की भी अपील जरूर करती। पर दो दर्जन से अधिक मामलों में आरोपित और चार्ज शीटेड पप्पू यादव को अपने साथ लेकर बंद करवाती है और उदंडता करवाती है, लाठियां चलवाती है, ऐसी संस्कृति राजद की रही है, वो उससे कभी नहीं निकल सकते। इसी तरह की राजनीति करने के लिए राजद जानी जाती है। बिहार में जो भी अपराध हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं राजद की संलिप्तता है। नीरज कुमार के इस कड़े तेवर के बाद अभी तक कोई भी बयान राजद की तरफ से नहीं आया है। जैसे ही राजद की तरफ से कोई बयान आता है हम आपको तुरंत उसकी सूचना देंगे और रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।